Hey everyone, welcome back to my channel PSH Garima. So as you all know, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, सारे फेस्टिवल आ रहे हैं. सो ऐसे में हम सभी को फेशियल ज़रूर कराना होता है, बट समटाइम ऐसा होता है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता. जैसे इस बार मेरे साथ हुआ कि 2 दिन बाद करवा चौथ है और टाइम ही नहीं मिला फेशियल कराने का. सो ऐसे में मैं एक काम करती हूँ, मैं करती हूँ फ्रूट फेशियल, वो भी घर पे. हाँ, मैं यूज़ करती हूँ पपीता, बनाना, मिल्क, शुगर, जैगरी पाउडर और चावल का आटा, और इन सब से ही बनाते हैं. बहुत ही अच्छा सा फेशियल हो जाता है घर पे बैठे, हार्डली 2 या 3 रुपए खर्च होके, और 1000-2000 जैसा फेशियल हो जाता है, वो भी बिना किसी केमिकल के. तो चलिए मैं आपके साथ भी वो फेशियल शेयर करती हूँ. ये एक तरह का लास्ट मिनट हैक है फेशियल का. अगर आपने नहीं कराया है तो इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार, बहुत अच्छा रिजल्ट है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और गाइज, एक और चीज़, मेरी स्किन ना इस वक्त बहुत सेंसिटिव है, इसलिए भी मैंने फेशियल नहीं कराया, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे मैं जब भी फेशियल कराती हूँ जनरली मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है. और पपीता ऐसा है ना, जैसे मेरे इधर आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी टैनिंग है. आई नो ऐसा नहीं है कि एक ही बार फेशियल करूँगी और सब कुछ गायब हो जाएगा, बट धीरे धीरे अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस यूज़ करोगे, मतलब महीने में 2 या 3 बार करोगे, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा. तो इसीलिए मैं इसको आज कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा ट्राई करूँगी और आप भी कीजिएगा मेरे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल को. इसके लिए मैंने बहुत एक छोटा सा पीस लिया है पीते का, जिसको हाथ से इस तरीके से क्रमल कर लिया है. और सबसे पहले मैं करूँगी स्क्रबिंग. उसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ी सी जैगरी पाउडर. ये 1 चम्मच के अराउंड ये जैगरी पाउडर होगा. इसके अंदर मैं अब मिलाऊँगी पपीते का जो पल्प है, इस तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी. और अपने फेस को आप कुछ चीज़ से इधर कवर कर लीजिए, टॉवल वगैरह कुछ डाल लीजिएगा, या फिर कोई पुराना टी शर्ट या ड्रेस पहन लीजिएगा, थोड़ा मैसी होगा. तो इस तरीके से हम ले लेंगे और हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे. तो गाइस, अभी तक हम ना मतलब मैं हमेशा से सुनती आई हूँ और लोगों की थिंकिंग भी होती है कि जो स्क्रबिंग होती है वो आपको स्क्रब जो होता है बहुत हार्ड यूज़ करना चाहिए ताकि सारे डर्ट आपके फेस के निकल जाए, बट बल्कि ये बहुत बेकार और बहुत ही ख़राब मेथ है. बिकॉज आपका फेस की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है. और जनरली पहले क्या होता था, मुझे याद है मेरी मम्मा का भी एक सलून है दिल्ली में, तो लोग क्या चाहते थे ना कि आप उनके फेस को अच्छे से ऐसे ऐसे करके खूब रगड़ दीजिए, जैसे मतलब फेस ना हो वो एक कपड़ा हो, और उससे आपका फेस सोचिए कितना ज़्यादा डैमेज होगा. इसलिए स्क्रबिंग, एक्स्ट्रा फॉलिएशन बहुत ही कम करना चाहिए फेस पे. मसाज कीजिए, ठीक है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो. लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि हार्ड आपको स्क्रबिंग करनी चाहिए, हार्ड स्क्रब्स यूज़ करने चाहिए. बहुत ही लाइट स्क्रबिंग करनी चाहिए फेस की इस तरीके से. और जब आप स्क्रबिंग करते हैं, ऑलवेज यूज़ योर फिंगर्स, नेवर यूज़ योर पाम, ऑलवेज यूज़ योर फिंगर लाइक दिस. इस टाइप से करना चाहिए मसाज, और कोई भी आपको हार्ड स्क्रब यूज़ नहीं करना चाहिए. सो अब स्क्रबिंग कम्प्लीट हो गया है, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है. और गाइस, जो मतलब वैसे तो सभी फ्रूट्स फेशियल अच्छे होते हैं, बट जो पपीता होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा टैनिंग और पिगमेंटेशन हटाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो ये बेस्ट है अगर आपके फेस पे टैन है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, तो इसे ज़रूर कीजिए. बट हाँ, अगर आपके फेस पे ब्रेकआउट्स है, आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बिल्कुल भी मत इसको कीजिएगा, वरना वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे. एक्ने स्किन को तो आपको छेड़ना ही नहीं चाहिए. हटा लिया है, अब मैं करने जा रही हूँ टोनिंग. यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ. एवरी स्टेप के बाद आपको टोनिंग ज़रूर करनी चाहिए फेस की, इस टाइप से. मलाया लगाने वाले मुंह पे आफ्टर स्क्रबिंग थोड़ा मसाज तो ज़रूरी है. इसके लिए मैंने लिया है एकदम थोड़ा सा बनाना. इसको भी मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी. हाँ,
बनाना से आपकी स्किन बहुत स्मूथ एंड सपल हो जाती है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर होता है, तो ये एकदम क्रीम वाली ही मसाज का इफेक्ट आपको देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रबिंग आपको फिंगर से करनी चाहिए, फिंगर टिप्स से, और जो मसाज होती है वो हमेशा आपके पाम से करनी चाहिए, बिकॉज हमको जो प्रोडक्ट है उसकी जो हाइड्रेशन है वो हमें स्किन के अंदर डालनी है, इंसर्ट करनी है। सो आई एम यूजिंग माई पाम फॉर मसाजिंग ऑन माई फेस। अंडर आई में आप अपनी ये वाली फिंगर यूज़ कीजिएगा रिंग फिंगर मसाज के लिए इस टाइप से, और सारी जो मसाज होगी वो हमें अपवर्ड मोशन में करनी है इस टाइप से। सो अब क्रीम मसाज भी कंप्लीट हो गई, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, देन अगेन मैं टूनिंग करूँगी। मसाज भी हो गई, स्क्रब भी हो गया, अब टर्न है फेस पैक लगाने की, जिसके लिए मैंने एक चम्मच, छोटी चम्मच चावल का आटा लिया है, और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ मेरा वही कद्दूकस किया हुआ पपीता और उसका जूस, इस टाइप से थोड़ा उसको मिक्स कर लेंगे। सो अब ये फेस पैक मैंने लगा लिया है, नेक पे भी लगा लिया है, और अगर ये आपका बच जाए, थोड़ा ज़्यादा बन जाए, इसे हाथों पे भी लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और ज़्यादा नहीं है ऐसे, बस हमें 5 से 7 मिनट अपने फेस पे लगा के रखना है। तो मैं क्या कर, सो गाइस फेस पैक भी कंप्लीट हो गया है, कुछ मुझे 5 से 10 मिनट लगे पूरा फेशियल कंप्लीट करने में, और मेरा फेस मुझे बहुत फ्रेश और साफ़ फील हो रहा है। मैंने आपको बोला था हर स्टेप के बाद हमें टोनिंग ज़रूर करनी है, तो आफ्टर फेस पैक भी मैं टोनिंग कर रही हूँ। और ये फेस पैक हटाने के बाद गाइस, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं सो आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, सो मैं नहाऊँगी उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, मैं जस्ट नहाने ही जा रही हूँ, बट आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। और आपका इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा इस फेशियल से, आपको भी बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये फेशियल आपको मतलब शायद 2-3 रुपए का एक फेशियल पड़ेगा, और आपका जो ग्लो आएगा वो 1000-2000 के फेशियल से भी अच्छा आएगा, और कोई हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं होंगे। सो डू ट्राई इट गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने अगले फेशियल ट्राई किया कैसा रहा आपका ग्लो, और आपने करवा चौथ भी कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।